सबसे पहले आपको फोटोशॉप सीसी को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास फोटोशॉप सीसी नहीं है गाइस, तो सिंपली आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप ओपन होने के बाद गाइस सिंपली आपको फोटो को इसमें ऐड कर लेनी है। ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस ऑप्शन में जाना है और आपको अपनी फोटो को इम्पोर्ट कर लेनी है। सो गाइस मेरी फोटो इम्पोर्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको इस ऑप्शन में जाना है। देन आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो गाइस एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसमें हमारा थोड़ा ब्राइटनेस है वो थोड़ा बढ़ जाएगी, और कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने से गाइस आपका जो कलर है वो थोड़ा आ जाता है और थोड़ा ब्लैक दिखने लगता है। और हाईलाइट को छोड़ देते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं शेडोज लिखा हुआ है, ये वाली ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जिसमें आपके स्क्रीन में डार्कनेस होती है वो थोड़ा हट जाए। और उसके बाद गाइस आपको इस वाली ऑप्शन में जाना है, देन आपको मिक्स में जाना है। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं रेड कलर, जो इस पिक्चर में कोई रेड कलर ज्यादा यूज नहीं हुआ है, तो इसको बढ़ाने कम करने से कोई फायदा नहीं है। और आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर बेसिकली आप देख सकते हैं ट्री है और प्लांट्स है, वो ग्रीन कलर है। सो गाइस आप इस ग्रीन कलर में एचयूवी को माइनस में रखोगे तो आपका जो ग्रीन कलर है वो येलो हो जाएगा, एंड अगर आप प्लस में रखते हैं गाइस तो आपकी जो ग्रीन ट्री है एंड प्लांट है वो और ज्यादा डार्क ग्रीन हो जाएगी। गाइस मुझे येलो वाली पसंद है तो मैं इसको माइनस में रखता हूँ, और इसमें लुमिनेंस को प्लस में ही रखना, माइनस नहीं करना है। और आप सेचुरेशन को जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपकी फोटो। इसके बाद देख सकते हैं गाइस ये ब्लू कलर है, मतलब ये ब्लू कलर ऑप्शन है जिसमें आप ब्लू कलर को चेंज कर सकते हैं और दूसरे कलर में, तो जो कि मेरा ब्लू कलर है जैकेट। तो गाइस मैं अगर एचयूवी को थोड़ा कम ज़्यादा करूँगा तो मेरे जैकेट का है वो कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कलर चेंज हो जाएगा। और साथ ही यहाँ कलर देख सकते हैं, एक है पर्पल और एक है पिंक। तो पिंक और पर्पल कलर हमारे फोटो में यूज ही नहीं गाइस, तो इसको कम ज़्यादा करने से कोई मतलब नहीं है, सेचुरेशन वगैरह कुछ काम आने का नहीं है। अगर आपके फोटो में है गाइस तो सेम ऐसे ही ट्राई कर लेना। और आप साथ ही देख सकते हैं ऑरेंज कलर, तो इस ऑरेंज कलर में आप लुमिनेंस को प्लस में रख देते हो गाइस बढ़ाकर, तो आपकी जो स्किन है वो वाइट हो जाए, मतलब आपके स्किन गोरा हो जाएगा। तो आपको अगर स्किन को गोरा करना है गाइस तो ये बेस्ट तरीका है। सो गाइस इतना करने के बाद इसे डन कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं चार ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सेचुरेशन को बढ़ा देता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा कलर मिल जाएगी, और वाइब्रेंशन में भी सेम आपको कलर देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इतना करने के बाद आपको इस ऑप्शन में आना है, और यहाँ देख सकते हैं क्लैरिटी, तो क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं। और साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं विग्नेट, अगर आप इसे माइनस में रखते हैं तो आपको यहाँ साइड साइड में ब्लैक देखने को मिलता है, जो काफ़ी लोगों को पसंद है, जो मेरा भी फेवरेट है गाइस। सो उसके बाद आपको इस वाली ऑप्शन में आना है, और आप यहाँ देख सकते हैं शार्पिंग, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और डिटेल को भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। सो गाइस कलर करेक्शन हो चुका है, और आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर में जो पहले का फोटो था और अभी एडिट हो चुका है। सो गाइस इसे सेव करने के लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन में जाना है, और इस ऑप्शन में जाकर सिंपली आपको सेव टू डिवाइस में जाना है, और आप यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी, तो इस ऑप्शन का आपको चूज करना है, देन इसे ओके करके आपको सेव कर देना है।